लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना के 703 मरीज जेर इलाज, 24 इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल, 5 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल, 19 निजी हॉस्पिटल्स में 174 मरीज, 28 आईसीयू में दाखिल और 11 वेंटिलेटर्स पर मौजूद। पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल्स में रश कम करने के लिए मामूली मरीजों को घरों में आइसोलेशन का मशवरा। मोहलिक कोरोना का संगीन वार, गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ की खातून मेंबर पंजाब असेंबली इंतकाल कर गईं। मरहूमा शाहीन रजा को कोरोना वायरस की तस्दीक के सबब गुज़श्ता हफ्ते न्यू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। गवर्नर चौधरी सरबर, वजीर आला उस्मान गुलजार और सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का मरहूमा शाहीन रजा को खिदमात पर खिराज अकीदत पेश, अहले खाना से ताजियत और दुख का इजहार। 56 रोज बाद ट्रेन ऑपरेशन बहाल, लाहौर स्टेशन से सुबुक रफ्तार एक्सप्रेस 105 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना, कराची पिशावर और कोयटा के लिए ट्रेन भी मुकर्रर वक्त पर रवाना होगी। जबकि मुसाफिरों को ऑनलाइन टिकट के हुसूल में दुश्वारी का सामना, ऑनलाइन मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी जवाब दे गई, मुसाफिर टिकट के हुसूल के लिए दरबदर। पंजाब हुकूमत का मजारात खोलने का फैसला, महकमे औकाफ के जरिए इंतजाम, सुबह भर में 544 मजारात खोल दिए जाएंगे। मजारात पंजाब हुकूमत के SOPs के तहत खोले जाएंगे। सूबाई वज़ीरे कानून की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मजारात खोलने की तजावीज़ से इत्तेफाक किया गया। इजलास में जुमातुल विदा, शब कदर, यौमुल कुद्स और ईद उल फितर के मौके पर कोरोना SOPs और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए इस पर फौरन एक्शन लें। हफ्ते और इतवार को बैंक बंद नहीं होने चाहिए ताकि लोगों को तनख्वाहें मिल सकें, और अगर ये बैंक बंद होंगे तो यकीनन तनख्वाहें प्रोसेस नहीं होंगी, प्रोसेस नहीं होंगी तो लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तो ईद ख़राब हो जाएगी, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी, ख़ासतौर पर रेलवे में मज़दूरों के हवाले से। यहाँ पर चूँकि सारा एक माह चैनल चलता है तनख्वाहों का, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अगर तनख्वाहें ना मिली तो लोग बड़े परेशान होंगे। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर ख़ज़ाना से और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे अपील करता हूं कि काइंडली जुम्मा हफ्ता की जो छुट्टी है इसको कैंसिल किया जाए। बैंकों की हफ्ते की छुट्टी की अय्याशी के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। देखो लॉजिकल बात है कि जो मुल्क हफ्ते की छुट्टी कर रहे हैं वहाँ सारा काम उनका बंद होता है हफ्ते को। पाकिस्तान का तो 90% काम सैटरडे को हो रहा होता है, मार्केटें खुली होती हैं, दुकानें खुली होती हैं, सिवाय चार बड़े शहरों के सारे शहर जो है वो हफ्ते को सैटरडे को खुले होते हैं। कल बैंकों से लेन देन का आखिरी रोज, जुमातुल विदा से ईद तातीलात का आगाज, ईद से 3 रोज कबल बैंक बंद होने से अदायगियों और वसूलियों में मुश्किल का खदशा, FPCCI अहदेदारान और ताजरों का हुकूमत से जुमा और हफ्ते को भी बैंक खुले रखने का मुतालबा। रीजनल चेयरमैन FPCCI डॉक्टर अरशद कहते हैं मौजूदा हालात में बैंकों को इतनी छुट्टियाँ देना समझ से बालातर है। लॉकडाउन से मुतासरा लाहौरियों की ईद शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई, इसरा बाजार समेत अहम मार्केट्स में रश, जूतों कपड़ों और ज्वेलरी के दुकानों पर शहरियों के लखाना के हमराह आमद। हुकूमती याद दहानियों के बावजूद खरीदारों और दुकानदारों ने कोरोना SOPs नज़रअंदाज कर दिए। आज 1000 महीनों से बेहतर रात, लैलतुल कद्र मजहबी जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां मुकम्मल। मसाजिद और जामियात में खत्मुल कुरान समेत जिक्र असकार की महाफिल में हजारों फरजंदान इस्लाम शिरकत करेंगे। जामिया मस्जिद, दाता दरबार, जामिया अशरफिया और शाही मस्जिद में खुसूसी दुआओं का अहतमाम। ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए शरई फतवा जारी, मस्जिद में एक से ज्यादा मरतबा ईद की नमाज के इज्तिमा हो सकेंगे। फतवा खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, जामिया नईमिया के मुफ्ती इमरान हनफी, जामिया अशरफिया के मुफ्ती जिक्रिया और मुफ्ती इसहाक साकी ने जारी किया। हुकूमत की कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए नमाजियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट क्या होगा, सिटी 42 ने बजट की तफसीलात हासिल कर ली। इब्तदाई तौर पर 23 अरब रुपए के बजट की तजावीज मुकम्मल, मौजूदा माली साल के मुकाबले में अगले साल 3.5% बजट इजाफे की तजवीज। बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा, असेंबली सेक्रेटेरिएट की बजट इजलास के लिए मुतल्लिका शोबों को हिदायत जारी। शाहकान चौक फ्लाईओवर मनसूबा LDA का तरजीही मनसूबा बन गया, हुकूमत पंजाब ने मनसूबे को PP मोड से निकाल दिया। मनसूबा LDA ऑन 100 का
या ADAP फंडिंग फैसला ईद के बाद किया जाएगा। मनसूबे का PC1 तैयार किया जा चुका, लागत का तखमीना 2 अरब से ज़ायद है। पंजाब का माली बोहरा, निश्तर 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन का मंसूबा मुस्तरद। स्पोर्ट्स बोर्ड ने कॉम्प्लेक्स को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए महकमा खजाना से 398 मिलियन रुपयों की डिमांड की थी। निश्तर पार्क में कायम इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम में प्रैक्टिस कोर्ट्स बनाए जाने थे, हॉस्टल की तजीनो आरइश भी होना थी। सेफ सिटी अथॉरिटी निगहदाश्त न होने के सबब मर्द बीमार बन गया। मॉनिटरिंग में संगीन गफलत से मजीद 1300 कैमरे खराब हो गए। फिलहाल कैमरों की तादाद मजीद कम होकर 4200 रह गई। बहराब पर काबू पाने के लिए हुकाम के गैर मुल्की मेंटेनेंस की कंपनी से राबते। मैट्रिक के तलबा के लिए अहम खबर, महकमा स्कूल और महकमा सेहत में मैट्रिक के पर्चों की मार्किंग पर इत्तेफाक। पर्चों की चेकिंग कोरोना एहतियात से मुतलिक 20 निकाती SOPs के तहत की जाएगी। मार्किंग सुबह भर के 156 सेंटर्स में जून के पहले हफ्ते से शुरू की जाएगी। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर तैनात पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर, नए माली साल पर फ्रंट लाइन स्क्वाड को कोरोना अलाउंस देने का फैसला। तजवीज मंजूरी के लिए ऐवान वजीर आला को अरसाल। पुलिस के जरिए इस्तेमाल व्हीकल्स मरहलावार नई गाड़ियों से तब्दील किए जाएंगे। जुराइम की ज्यादा शरह वाले इलाकों में रेड ड्यूटी के लिए नई गाड़ियां दी जाएंगी। IG शुएब दस्तगीर ने जरे सारत इजलास में हिदायत जारी कर दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सस्ती के सबब अगले ग्रेड में प्रमोशन ताकीद का शिकार। नोटिफिकेशन जारी न होने से 7 जमात तक के 60 लाख तलबा गैर यकीनी में मुबतला। लॉकडाउन में नरमी, सनतों की चेकिंग के लिए हुकूमती कमेटी की नाकिस परफॉर्मेंस। शहर की 2500 फैक्ट्रीज में से सिर्फ 112 की इंस्पेक्शन हो सकी। टीम के पास इंडस्ट्री को सरबमोहर करने का इख्तियार मौजूद होने के बावजूद किसी फैक्ट्री का चालान न हुआ। नाकिस कोरोना इंस्पेक्शन से फैक्ट्रीज में कोरोना केसेज में इजाफे का इम्कान पैदा हो गया। कहना में केमिकल फैक्ट्री में आग भड़क उठी, लाखों रुपए मारिया से का केमिकल जल गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी की वजूहत का फिलहाल तयन नहीं किया जा सका। LDA की गुलबर्ग के इलाके भाबड़ा में कार्रवाई, शोभा टाउन प्लानिंग अमले ने ब्लॉक M में गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी। भारी मशीनरी की मदद से की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। कोटली पीर से जखीरा शुदा 140 गन्नों की बोरियां बरामद। बोरियां गन्नों खरीदारी मरकज रक्स शील मुंतकिल करवा दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में माली बेसाबियों का इंकशाफ। वजीर आला मुआयना टीम की स्पेशल ऑडिट करवाने और केस नैब को भेजने की सिफारिश। रिपोर्ट में मुतअद्दिद इंतजामी मामलात की मुतल्लिका फोरम से मंजूरी ना लिए जाने का भी इंकशाफ। रिपोर्ट वजीर आला को अरसाल। चीनी स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ, FIA ने स्कैंडल का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात, शुगर मिल्स मालिका ने चीनी बनाने के साथ साथ गन्ने से बनने वाले दीगर प्रोडक्ट से अरबों रुपए कमाए। फरोख्त का रिकॉर्ड गायब, अरबों का टैक्स भी बचाया। आइंदा चंद रोज में रिपोर्ट वजीर आजम को भी भिजवा दी जाएगी। टूटते बिखरते घरों के बच्चों के लिए ईद पर अधूरी खुशियां। घरेलू नाचाकी से मुतासर माओं का हाईकोर्ट से रुजू। ईद बच्चों के साथ मनाने के लिए हवालगी केसेज में इजाफा। दौरान समात अहाता अदालत में बच्चों और नाराज वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद रही। एहसास कफालत प्रोग्राम की कोई कानूनी हैसियत नहीं, बेनजीर इनकम स्पोर्ट 2010 का एक्ट मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट बार के अहदेदारों का मौके, वकला क्याबत का एहसास कफालत प्रोग्राम को चैलेंज करने का फैसला। पिटीशन तैयार करके जल्द हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। वजीराला पंजाब से वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिचड़े की मुलाकात। वजीराला की ट्रांसपोर्टर्स के तहफुजात दूर करने की हिदायत। उस्मान गुजार बोले, मुसाफरों की सेहत और जिंदगी सबसे मुकदम है। ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत शहरियों की मुश्किल कम करने के लिए दी गई है। वजीराला से सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद की मुलाकात।
अंसर मजीद ने पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानेब से कोरोना रिलीफ फंड में 23 लाख रुपए अतिये का चेक वजीर आला के सुपुर्द किया। LDA में ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की सहूलत, वजीर आला पंजाब ने साफ वेब पोर्टल और मोबाइल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल की मदद से शहरी LDA दफ्तर आए बगैर अपने उमूर ऑनलाइन निपटा सकेंगे। तकरीब में LDA मुलाजमीन की जानिब से वजीर आला पंजाब कोरोना रिलीफ फंड में 27,78,000 अतिये का चेक भी पेश किया। गवर्नर पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अहम फैसले, पंजाब आबी पाक अथॉरिटी के बोर्ड ने PC1 की बाकायदा मंजूरी दे दी। अगले महीने से अथॉरिटी में स्टाफ और कंसल्टेंट की तकर्रियां शुरू करने का फैसला। गवर्नर पंजाब बोले, पंजाब के आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने का वादा पूरा करेंगे। पंजाब आबी पाक अथॉरिटी में तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। उधर तरीके इंसाफ ट्रेडर्स विंग के वक्त की गवर्नर पंजाब से मुलाकात, मार्केट्स और बाजारों में SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। अवामी रिक्शा यूनियन और दीगर ट्रांसपोर्ट तंजीमों की मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन। मरकजी चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को दीवार से लगा दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल बंद ना किया गया और मुतालबा तस्लीम ना हुए तो लाहौर की सड़कों पर एहतजाज होगा। PIA के शिफ्ट मैनेजर काजी कमरुल हक शानदार कारकर्दगी पर साल 2019 के बेहतरीन अफसर करार। CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने तारीफी सनद दी। स्टेशन मैनेजर अली असगर जैदी ने CEO की जानिब से तारीफी सनद और खत हवाले किया। कौमी क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खुशाइन करार दिया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, आबिद अली, नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी का कबल अज वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान पर खुशी का इजहार। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि A, B या C कोई कैटेगरी मानी नहीं रखती, असल हद टीम में वापसी है। फास्ट बॉलर हारिस राउफ बोले, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हुसूल उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है।